लोगों को पहला प्यार अपने आप हो जाता है, फिर उससे धोखा मिलने के बाद पहले प्यार को भुलाने के लिए दूसरा प्यार हो जाता है, फिर इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, और इसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, और फिर यही लोग आगे जाके बनते हैं वज्र छिनरा। देखो यार, भाई के बिना रावण हारा और भाई के साथ राम जीते, तो समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने भाई के साथ कभी मत छोड़ना, और टैग करो उस लक्ष्मण जैसे भाई को जो आपके साथ हमेशा रहता है, आपकी ढाल बनके। जिधर देखो उधर पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी, अड़ियो फुलझड़ी, आसमान खाली कर दे, अब माँ के बाज उड़ेंगे। बालों की भी अजीब समस्या है, जहाँ के बाल बढ़ने चाहिए वहाँ के कमजोर होकर झड़ रहे हैं, और जहाँ के झड़ने चाहिए वहाँ के काले मजबूत घुंघरालू होकर बढ़ रहे हैं। प्यार करना है तो सरकारी स्कूल वाली लड़कियों से करना जनाब, क्योंकि वो एक खिचड़ी की प्लेट में राजी है। आसान नहीं होता लव मैरिज करना, तमाम भूतों से लड़ना पड़ता एक डायन के लिए। हे भगवान, तू मुझे दुख दे, तकलीफ दे, मुसीबत दे, पर मेरे दोस्तों की शादी मत होने दे। मैं उन लड़कियों से एक बात पूछना चाहता हूँ जो हर बात पे बोलती रहती है कि ये सारे लड़के ना एक जैसे होते हैं। अबे लुटेरिन, तो तुम उन सारे लड़कों के संग। ब्रेकिंग न्यूज, तकनीकी खराबी के कारण गर्मी हुई नीरस सीधा बर... पापा आप जो चाहते थे वो मैं बन गया। बेटा मैं तो चाहता था कि तू खिलाड़ी बने, आईपीएल में खेले। पापा मैं खिलाड़ी बन गया। मैं आईपीएल में खेल रहा हूँ। तू खिलाड़ी बन गया, तू आईपीएल में खेल रहा है, किस टीम से खेल रहा है? पापा मैं आईपीएल में सट्टा खेल रहा हूँ। हर इंसान की जिंदगी में तीन वक्त जरूर आते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। अगर मुमकिन होता ना किसी को अपनी उम्र देना, तो मैं अपनी हर एक सांस अपने पापा के नाम कर देता। कौन कहता है कि लड़कियां प्यार से बात नहीं करती है? रे साला, तुमसे बात करती है? हाँ, हमसे तो करती है। कल है तो एक लड़की बोली, आप बहुत अच्छे लगते हैं भैया। एक लाइक कर दीजिए साहब, छोटे थोड़ी हो जाएंगे। वाह प्रभु वाह, अरे इस समय तो आप तीनों मौसम में इतनी जबरदस्त टक्कर करा रहे हो कि अब क्या बताए। सर्दी कह रही है मैं ना जाऊं, गर्मी कह रही है मुझे आने दो, और उधार उधार पैसा लेकर वापस ना करने वाले इतने बड़े बेशर्म होते हैं कि आपके कई बार टोकने पर भी वो आपके सामने फकीर बन जाते हैं, मगर उनके खर्चे, उनकी पार्टियां, उनकी लोग कहते हैं इस कलयुग में अच्छे इंसान नहीं मिलते। आपकी गलत फहमी दूर करो दोस्तों, मुझसे आकर मिलो। वो कहती थी कि मैं तुम्हारे प्यार में हर दर्द सह लूंगी, मैंने भी चिमटा गरम करके उसके हाथ पे रख दिया। दो दिन से बोलचाल बंद है। पहले मैं बहुत होशियार था, फिर एक दिन अचानक मेरी शादी हो गई और मेरी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। हाँ।